हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको पूरी में डिजाइन बनाकर बताऊंगा और ये सीक्वेंस में डिजाइन बताऊंगा किस प्रकार से डिजाइन बना जाती है। और ये दोस्तों आज नई डिजाइन दिखा रहा हूँ। ये ताना कैसे तानते हैं इसके बारे में दोस्तों मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, और माई कैसे गुथे हैं उसके बारे में दोस्तों मैंने बताया है। यदि वो वीडियो आपने देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब मैं ये स्टार्टिंग कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये रस्सी कैसे डालेंगे लास्ट में हमारे यहाँ पे है, ये घुंडी कैसे बनाएंगे वो सभी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हैं ये हमारी है, ये किल्ली तो एज इट इज रहेगी दोस्तों, और इसमें मैंने रस्सी चेंज कर दी है। और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से डाल जाती है, और इस तरफ के आगे की वो मैंने बांध दिया है। तो चलते हैं दोस्तों आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग किस प्रकार से की जाती है वो देखिए, इस प्रकार से हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी, वो सभी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे देखूंगा ये डिजाइन आपको बनेगी। इस डिजाइन में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, वो सभी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से आप स्टार्टिंग करेंगे। ये देखिए इसमें आप किस प्रकार से रस्सी डाल रहे हैं ये सबसे पहले आप देख पाएंगे और इसको समझेंगे दोस्तों, और फिर आगे का आपको रस्सियों का पता चलेगा हमें आगे रस्सी किस प्रकार से डालनी है। तो ये एक निश्चित ही सीक्वेंस में डालेंगे, उसी सीक्वेंस में आपको ये बनानी है। इसमें एक साथ दोस्तों आज मैं आपको दो दो तीन तीन डिजाइन दिखाऊंगा, और उसी डिजाइन में आपको ये दिखेगा एक साथ दोस्तों, आप कई डिजाइन आप देखेंगे, दो तीन डिजाइन आप समझ पाएंगे दोस्तों ये किस प्रकार से आप अलग अलग डिजाइन डाल सकते हैं वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इससे पहले वैसे दोस्तों मैंने बहुत सी डिजाइन बताई थी, वो यदि डिजाइन देख लिया आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हमने डिजाइन बनाई है। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किले कैसे डालेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों पहले किले डालने से पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको दो आटा लगा लेने, एक आटा अधिक लगा लेना, पहला तो ये हो गया हमारा क्योंकि ये हमारी बराबर आ जाएगी इसके। फिर एक बार और लगाना आपको, ये हमारा एक बार और लगा दिया है। तो देखो ये बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना हमें, ये दो बार लगाए। अब ये लहर आप जा रही थी उसी लहर से हमें ये मैच करेंगे नीचे से, ये दोस्तों आपको करना है, ये सभी का आपको ध्यान रखेंगे, इस लहर से हमें मैच करके ये डालना है यहाँ पे, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना दोस्तों। और ये वापस किल्ली खींच देना है और इसको वापस से सभी को एजिटेट कर देंगे, ये इस प्रकार से ये किल्ली यहाँ पे डालेंगे और इसको सभी को दोस्तों ये पहली रस्सी हमारी इसको सभी को इस प्रकार से धीरे धीरे आप इनको सेट कर देंगे। तो ये रस्सी आपको इस प्रकार से डालनी है, और इसी प्रकार से दोस्तों आप इधर भी आटा लगा देंगे दोस्तों, दोनों तरफ आपको आटा लगाना है। ये पहले आटा है, क्यों लगाना है दोस्तों, ये देखे एक बार हमने कर दिया, फिर एक बार और लेंगे इसमें ऐसे ताकि दोनों तरफ हमारी रस्सी बराबर रहे, इसलिए ये आटा आपको लगाना है और ये किल्ली में हम डाल देंगे। और आप चाहें तो दोस्तों सेम रस्सी में डाल कर सकते हैं ये, और यदि आप रस्सी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी आप कर सकते हैं, तो वो सभी चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारी डिजाइन बनाई जाएगी, और ये आगे डिजाइन किस प्रकार से बनाई जाएगी वो सभी एक एक रस्सी के बारे में आपको मैं दिखा रहा हूँ आज। तो इस प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे देखिए ये रस्सी आप डालेंगे सभी रस्सियाँ, इसी प्रकार से हमें ये रस्सियाँ आगे डिजाइन बनाएंगे और ये डाल पाएंगे हम रस्सियों को। तो इसी प्रकार आप भी अपनी रस्सियों को ये डालिए इसी में और डिजाइन बनाइए दोस्तों। अब ये नई डिजाइन आपको दिखा रहा हूँ, वैसे तो दोस्तों मैं हर बार एक नई डिजाइन ही बताता रहता हूँ आपको कि जो भी वीडियो बनाया मैंने नई डिजाइन बनाइए, उनमें सभी में दोस्तों हो सकता है कि पार्ट वन पार्ट टू हो, तो आप पार्ट वन देखा हो पार्ट टू नहीं देखा हो तो ये दिक्कत हो सकती है दोस्तों, लेकिन आपको जो भी वीडियो देखना है
पूरा देखना जब भी, तो उस क्योंकि हर वीडियो में मैं हर एक एक रस्सी के बारे में दिखाता हूँ। और मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में बनाता हूँ, तो आप सभी पार्ट देखेंगे दोस्तों तो ही आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगी कि कौन सा पार्ट हमारा क्या है। और इसीलिए मैं दोस्तों आपको बेल का बटन दबाने के लिए बोलता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल का बटन दबाइए, क्योंकि बेल के बटन दबाने से क्या होता है कि हमारी वीडियो है वो दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन हो जाएगा, जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगी पहले ही, तो उससे आप आसानी से देख पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि ये वीडियो आज नहीं आई है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी और आपको पार्ट वन पार्ट टू का पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत से दोस्तों का कमेंट आता है मेरे पास, बोलते हैं हमें पार्ट वन मिल गया, पार्ट टू नहीं मिला है, कि पार्ट टू डाल दीजिए आप। तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट, में जब भी आप वीडियो बनाता हूँ तो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री सभी डालता हूँ, पार्ट फोर फाइव तक भी डालता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है दोस्तों, इसलिए मैं सभी डालता हूँ। तो आप पूरी वीडियो देखिए, जब भी देखिए तो अंत तक देखिए, और सभी पार्ट देखेंगे तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वीडियो कहाँ पे है। इसलिए दोस्तों आप बहुत ही आसानी से वो समझ पाएंगे। ये सभी रस्सियों को इस प्रकार से सेट करती रहिए, तो इसमें आपको नई डिजाइन बनती हुई नजर आएगी दोस्तों। अभी हालांकि आपको नहीं दिखेगी, अब मैं तीन चार रस्सी बाद में आपको ये डिजाइन का पता चलेगा दोस्तों, किस प्रकार से डिजाइन हमारी बनाई जाती है। धीरे धीरे इसी प्रकार से हम डालते रहेंगे रस्सियों को डिजाइन। और भी यदि दोस्तों आपको डिजाइन देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो और भी डिजाइन आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत सी डिजाइन हैं। और वैसे दोस्तों चारपाई में नाम लिखना है आपको, यदि इनके बारे में जानना है तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, उसका वीडियो मिल जाएगा आपको कि चारपाई में नाम कैसे लिखते हैं, मोबाइल नंबर कैसे लिखते हैं, वो भी हिंदी इंग्लिश में दोस्तों, सभी के बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको धीरे धीरे देखिए, एक यहाँ फूल बनेगा और फिर यहाँ भी हमारा फूल बनेगा, फिर हमारा यहाँ फूल बनेगा और बीच में भी आपको सीक्वेंस अलग बनेगा, तो इस प्रकार से हमारे डिजाइन के अलग अलग फूल बनेंगे सभी, तो सभी फूल आप देख पाएंगे कि ये सभी अलग डिजाइन है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने इस प्रकार से एक और भी वीडियो बनाया था, लेकिन वो अलग डिजाइन थी। इस प्रकार से कई डिजाइन मैं आपके लिए हाजिर लेकर हाजिर होता हूँ। और मैं आपको बता रहा था दोस्तों नाम लिखना, तो नाम भी दोस्तों मैंने हिंदी में, इंग्लिश में, चारपाई में लिखकर बताए हैं कि हिंदी में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वो ही मैंने बताया। और मोबाइल नंबर भी बताए हैं दोस्तों कि किस प्रकार से नाम लिखे जाते हैं, मोबाइल नंबर भी लिखे जाते हैं, तो वो भी यदि आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और यदि आपके मैच करता कोई भी नाम तो आप बना सकते हैं दोस्तों। और वैसे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं लिखता हूँ, जो भी आपने नाम देखा होगा चारपाई पे वो सभी मैं ऑर्डर पे ही बनाता हूँ, इसलिए पर्टिकुलर मैं नाम नहीं डालता किसी का, तो आप दोस्तों देख पाएंगे। और जो भी आपने नाम देखा है दोस्तों वो मैंने पर्टिकुलर ऑर्डर पे ही नाम बनाए, जितने भी आपने देखे होंगे नाम वो सभी मैंने ऑर्डर पे ही बनाए, तो आप भी ऑर्डर से बनवा सकते हैं दोस्तों, या फिर आप सीख सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है दोस्तों, आपको सीखना है तो आप सीख भी सकते हैं। मैंने बहुत से नाम लिखकर दिखाए हैं चारपाई में, किस प्रकार से नाम लिखे जाते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में, यदि कोई भी नाम आपके मैच करता है तो आप वहाँ से आप लिख भी सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आप नाम लिखना, मोबाइल नंबर लिखना सभी सीख सकते हैं। दो दो डिजाइन से मैंने बताए हैं कि दोनों डिजाइन में आप नाम लिखना सीख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से ये डिजाइन आपको बनती हुई नजर आएगी। अभी आपको डिजाइन दिखेगी और दोस्तों हर 5-10 रस्सी बाद इसको धीरे धीरे इनको सभी को सेट करते रहना है। इस प्रकार से आपको सेट करेंगे इनको। देखो अभी आपको थोड़ा फूल बनेगा इसमें एक, और लहर भी कुछ दिखेंगी, और भी इसमें डिजाइंस, कई डिजाइंस आप इसमें देख पाएंगे दोस्तों आप। और पूरी चारपाई इसीलिए मैं आपको भर के बता रहा हूँ, इससे पहले दोस्तों मैंने लहर की चारपाई बनाई थी कि लहर के आप किस प्रकार से बना सकते हैं, वो ही मैंने बताई थी। लहर भी दोस्तों आप 3 की रस्सी में डाल सकते हैं, 4 की रस्सी में डाल सकते हैं, 5 की रस्सी में डाल सकते हैं, 6 की रस्सी में डाल सकते हैं, लहर इतनी इस प्रकार से आप डाल लेंगे, जो भी आपको अच्छी लगे, 3 की रस्सी में या 4 की रस्सी में अच्छी लगे तो 4 की रस्सी में डाल दीजिए,
या तीन की रस्सी में लहर को अच्छी लगे तो आप तीन की रस्सी में डाल दीजिए दोस्तों, या पांच की रस्सी में अच्छी लगे तो पांच की में, सभी चीज़ आप डाल सकते हैं दोस्तों। मैंने ये सभी वीडियो बनाए हैं एक एक के बारे में कि यदि लहर की चारपाई बनाना तो किस प्रकार से बनाएंगे, यदि बगैर लहर बनाना आपको सीक्वेंस से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से वो बनाइए। इसी प्रकार से सीक्वेंस में देखेंगे आप तो वो ये भी देख लेंगे, आप डिजाइंस को समझेंगे। रस्सियों के बारे में भी दोस्तों, सूत की रस्सी भी आती है और रेशम की रस्सी भी आती है। मैं कुछ रेशम की रस्सी में बताता हूँ और सूत की रस्सी में बताता हूँ दोस्तों। बहुत से दोस्तों कमेंट आता है मेरे पास को यहाँ से ले गया रस्सी, ये रस्सी हमारी इधर इलाके में मिलती है दोस्तों, इसलिए मैं वहाँ से परचेज कर लेता हूँ। तो आप भी अपनी साइड में कहीं देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी रस्सियाँ दोस्तों, कहीं ढूंढेंगे तो मार्केट में अवेलेबल होती है हर जगह, ये लगभग आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको पता लगाना होगा कि कहाँ पे रस्सी है। और भी दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको हाथी घोड़ा ऊंट उतारना है चारपाई के अंदर तो वो भी आप बना सकते हैं। तो आप दोस्तों हाथी घोड़ा ऊंट भी उतार सकते हैं, उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है तो वो आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे, किस प्रकार से बनाया है वो आप आसानी से देख पाएंगे। यदि मोर बनाना है या ऊंट बनाना है, जो भी आपको बनाना है दोस्तों, मैं बहुत सी वीडियो बनाए हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं कि चारपाई के अलावा दोस्तों मैंने जो हमारे मुड्डे होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में मैंने बताया दोस्तों आपको, मुड्डा कैसे बनाए जाते हैं, जो डोका होते हैं हमारे डोका से किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो भी पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाए दोस्तों, तो वो भी आप देख पाएंगे किस प्रकार से वो डोकों से बनाए जाते हैं। जो हमारे पोड़ा होते हैं उनसे आप बना सकते हैं ये, तो वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। एक एक वीडियो आप देखेंगे तो हर चीज़ मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों देख पा रहे हैं आप सीक्वेंस आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है हमारा, तो इसी प्रकार से पूरा सीक्वेंस आपको चेंज होता दिखेगा, फूल भी बनता हुआ दिखेगा और ये सीक्वेंस भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा दोस्तों। किस प्रकार से आपको सीक्वेंस चेंज करना है वो भी आपको दिख जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों ये डिजाइंस आपको बनती हुई नजर आएगी। अब थोड़ा आपको अलग सीक्वेंस आपको दिखेगा है दोस्तों, इसे पहले आपने देखा होगा अलग दिखेगा। अब थोड़ा हमारा हर रस्सी का सीक्वेंस आपको चेंज हो जाएगा और ये रस्सी आप देखेंगे अलग डिजाइन से आपको बनती हुई नजर आएगी। और यहाँ देखो यहाँ फूल बनेगा फिर यहाँ फूल बनेगा, ये देखो अलग लहर आपको दिख रही, बीच में अलग डिजाइन दिखेगी दोस्तों। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा था कि आपको कई डिजाइन मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तो इसीलिए मैं आज आपको ये बहुत सी डिजाइन दिखा रहा हूँ और वो डिजाइन आप देखेंगे कि एक साथ तीन चार डिजाइन देखेंगे, इसमें फूल भी देखेंगे लहर भी देखेंगे और बीच में अलग डिजाइन भी देखेंगे। और दोस्तों आगे दिखाऊंगा तो इसमें आगे अलग डिजाइन भी आपको नजर आएंगे, इसमें किस प्रकार से हमारी डिजाइन चेंज होती है वो सभी देखेंगे। आज आप हमारे डिजाइन देखिए किस प्रकार से दोस्तों चेंज हो जाती है, एक एक रस्सी के बारे में आप सोच समझ पाएंगे दोस्तों कि ये हमारी डिजाइन है वो ये चेंज हो गई है, तो वही मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए सभी डिजाइन देखिए और ये बनाइए आप भी, इसीलिए दोस्तों आप भी बनाना सीख सकें, इसलिए मैं आपको ये एक एक रस्सी दिखा रहा हूँ और एक एक रस्सी के डालकर आप बना सकें। और ये सभी दोस्तों कहीं चार का कहीं तीन का कहीं पांच का कहीं एक का कहीं दो का सीक्वेंस चल रहा हमारा, तो आप इस प्रकार से आपको सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे, हमें कहीं हमें एक का मिलेगा कहीं तीन का कहीं चार का कहीं आपको पांच का दिखेगा, इस प्रकार से अलग अलग सीक्वेंस में हमारी रस्सियाँ चलती रहती हैं। ये अलग फूल बनाए हैं, इससे आगे मैं आपको अलग फूल बनाकर दिखाऊंगा, इसमें भी आप दो तीन डिजाइन बना सकते हैं दोस्तों फूलों में भी। इससे पहले वैसे मैंने एक चारपाई बनाया था उसमें दो तीन प्रकार के फूल आपको बनाकर दिखाए थे, उसी प्रकार से दोस्तों आपको ये दो तीन प्रकार के फूल बना सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखिए एक फूल आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, फिर एक फूल यहाँ देखेगा और बीच में ये सीक्वेंस देखिए ये अलग डिजाइन बनेंगे हमारी ये सभी, फिर यहाँ फूल बनेगा फिर आपको यहाँ फूल देखेगा फिर यहाँ पे अलग फूल देखेगा, इस प्रकार से आप
अलग अलग सीक्वेंस में आपको फूल दिखेंगे दोस्तों आज। इसी प्रकार से आप अलग अलग सीक्वेंस में देखिए फूल किस प्रकार से हमारा फूल बनाए जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे कि धीरे धीरे आपको सीक्वेंस है ये आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा आपको। इसी प्रकार से आपको सीक्वेंस का ये ध्यान रखेंगे और सीक्वेंस ये चेंज करते रहेंगे आप। हर रस्सी का एक सीक्वेंस बनेगा दोस्तों, उसी के सीक्वेंस में आपको ये डिजाइंस भी बनानी है दोस्तों। उसी सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना है और ये किस प्रकार से हमें डिजाइंस बनानी है ये देखिए आप। मैं पूरी डिजाइंस आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको डिजाइंस बनानी है, वो सभी चीज़ आप दोस्तों देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमें ये डिजाइंस बनानी है, वो आप देखेंगे। आप नई डिजाइन है ये हमारी, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन दिखेगी आपको। इसलिए ये देखिए आपको फूल भी बीच में हमारा यहाँ पे फूल ही बनेगा, तो इस प्रकार से आप फूल भी बना पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि डोका से आप जो हमारे बम्बू होते हैं उनसे मुड्डा कैसे बनाया जाता है, तो उसके बारे में दोस्तों मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से आप बना सकते हैं डोकों से किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में दोस्तों मैंने बनाया। स्टार्टिंग कैसे करते हैं उसमें वो भी मैंने बताया, स्टार्टिंग कैसे किया जाता है, ताना कैसे तानते हैं उसमें, उसकी मोड़ी कैसे बांधते हैं, वो सभी चीज़ मैं आपको बताएं, तो वो भी दोस्तों आप हमारे चैनल की सहायता से सीख सकते हैं। बम्बू से होते हैं उसे हमारे डोके होते से मुड्डा कैसे बनाया जाता है, तो वो भी बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे दोस्तों। उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर जो वीडियो बनाया है दोस्तों उसकी हेल्प आप ले सकते हैं, तो ये सभी चीज़ आप देख पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे देखेंगे तो आपको इस सीक्वेंस में बनते ही नजर आ जाएगा हमारी। इसी प्रकार से हमारा सीक्वेंस ये चलेगा आगे, इसी सीक्वेंस में आपको ये देख पाएंगे। देखो यहाँ पे अलग डिजाइन आपको बनती हुई, यहाँ पे अलग डिजाइन, और यहाँ पे आपको देख पा रहे ये फूल मेरा अलग बनता हुआ दिख रहा है, ये अलग डिजाइन दिखेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग आप डिजाइन देख पाएंगे दोस्तों, और ये फूल भी अलग देखेंगे। और इससे आगे भी मैं आपको अलग डिजाइन का फूल बताऊंगा दोस्तों, किस प्रकार से फूल वो बनाना है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। सभी में आप इसमें दो तीन डिजाइन के फूल बना पाएंगे, सभी अलग अलग फूल हमारे बनेंगे तो अलग अलग सभी चीज़ देख पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से धीरे धीरे डालेंगे सीक्वेंस में, हर चीज़ आपको मिलेगी दोस्तों। तो बहुत सी आप वीडियो देखेंगे डिजाइन की भी, और यदि वो वीडियो आपने पहले वाली देख लिया तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या राइट साइड में हमारा आई बटन होता है वहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। या फिर हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ से भी आप दोस्तों देख सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे हर सीक्वेंस में, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री आपको सब मिल जाएगा। तो वहाँ से देख कर आप सीख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से मैंने डिजाइन बनाई है। और भी वैसे मैंने बहुत सी डिजाइन बनाता रहता हूँ मैं आपके लिए नई नई डिजाइन, तो वहाँ से आप देख कर सीख सकते हैं। यदि डिजाइन आपने सीख ली है तो बहुत ही अच्छा है, कई दोस्त हमारे सीख भी चुके हैं तो आप भी दोस्तों सीख सकते हैं। और भी नौकड़िया की छकड़िया काट है दोस्तों, वो भी मैंने पर्टिकुलर बनाई है, उसमें भी दोस्तों सिंपल नहीं डिजाइन ही बताई है, कुछ मैंने सिंपल बनाई है और कुछ डिजाइन में भी। तो वहाँ से भी आप दोस्तों हमारी नौकड़िया छकड़िया काट भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाई जाती है, तो ये सभी चीज़ आप देखेंगे। देखो इसमें डिजाइन आप बनती हुई नजर आ रही है आपको, एक हुंडी मैं एक बार डाल देता हूँ फिर मैं आपको डिजाइन दिखाऊंगा किस प्रकार से डिजाइन ये बनाई है। तो ये देख दोस्तों देख पाएंगे आप, इस रस्सियों को थोड़ा सेट कर देता हूँ मैं, इस प्रकार से डिजाइन आपको ये बनती हुई दिखेगी। अब आप देखेंगे एकदम पूरी दोस्तों सीक्वेंस में कि देखो यहाँ पे आपको अलग फूल बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ अलग दिखे डिजाइन दिखेगी, यहाँ पे अलग फिर यहाँ फूल अलग दिखेगा, तो फिर ये इस प्रकार से सीक्वेंस में अलग फूल दिखेगा, ये फूल और ये फूल आपको सेम है और ये फूल और ये फूल आपको सेम है, तो इस प्रकार के डिजाइन आप देख पाएंगे। ये आगे के डिजाइन किस प्रकार से बनेगी दोस्तों वो मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आप पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ही भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।